सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं शिशु और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है कि कभी भी अगर पग आपका स्लिप हो गया पैर तो दिक्कत आ सकती है। पैराग्लाइडिंग हो गई, जिपलाइन हो गई, ऐसी सारी एक्टिविटीज यहाँ पर करते हैं। सो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं मनाली टू शिशु। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मनाली टूर हमारी चल रही है, तो आज हम लोग जा रहे हैं मनाली से 30 किलोमीटर दूर एक छोटी सी वैली है जिसका नाम है शिशु वैली। सो वहाँ पर मैंने सुना है लोकल से कि यहाँ पर अभी शिशु में बहुत ही अच्छा एटमोसफेयर है। सो एक अच्छी वैली भी है, बर्फ़ भी रहेगी, सो बहुत मज़ा आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से अभी पहले पहुँचेंगे शिशु बाय रोड, एक घंटे लगेगा और 30 किलोमीटर जैसा राउंड है अगर ट्रैफिक ना हो तो। सो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं मनाली टू शिशु। सो जैसा कि आपको पता होगा कल हमने शॉपिंग की थी मॉल रोड से, तो मैंने ये जैकेट लिया था जिसको बोलते हैं ट्रेडिशनल मनाली वेयर। सो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ये शिशु पहन के जाएंगे, बहुत ही ठंड होने वाली है। शिशु आप बाय रोड ही जा सकते हैं और कोई इसका वे नहीं है। बाय रोड भी आप तीन तरीके से जा सकते हैं, या तो अपनी पर्सनल टैक्सी करके, या तो प्राइवेट गाड़ी करके, या तो फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन में जैसे कि बस या गवर्नमेंट सर्विस। सो ये हमारी टैक्सी आ चुकी है, आगे हम लोग जाएंगे टैक्सी में हमारी। सो गाइस ये है हमारी टैक्सी जो हमें शिशु लेके जाएगी। भाई जी ये है बबलू भाई, भाई जी कैसे हो भाई जी? बड़े बड़े भाई। सो ये हमें शिशु लेके जाने वाले हैं, है ना? कितना दूर है बबलू भाई वैसे? 50 किलोमीटर, मतलब कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा। ठीक है, सो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं शिशु और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है। सो ये जो वैली है वो पूरी अलग है जो हम लोग स्टे कर रहे हैं अमर वैली या मनाली की। ये पूरी शिशु वैली है, जो अटल टनल है वहाँ से ये रास्ता आता है। लगभग 9 किलोमीटर की टनल है, बहुत ही लंबी टनल है अभी तक की, एंड बहुत ही अमेजिंग सा रहा है अभी तक का सफ़र। आपको प्रीवियसली देख ही गया होगा जो मैंने टाइम लैप्स और जो रोड का पूरा लिया है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और अमेजिंग से कुछ ड्रोन शॉट एंड 360 शॉट लेते हैं। सो गाइस ये हम लोग बर्फ़ के ऊपर चल रहे हैं अभी, और अभी रिसेंटली ही स्नोफॉल हुआ था तो बहुत ही फ्रेश है एकदम बर्फ़, बहुत हार्ड भी नहीं है तो अभी चल पा रहे हैं। लेकिन बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है चलते टाइम, क्योंकि कभी भी अगर पग आपका स्लिप हो गया पैर तो दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पर अगर विंटर में चोट लगे तो भाई बहुत, मतलब ऐसा आपको महसूस होता है जले पे नमक। एक तो लगती भी है ऊपर से जो ठंड में उसकी जो रह जाती है भाई, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सो बी केयरफुल व्हाइल यू आर वॉक ऑन द आइस। सो गाइस ये है शिशु का स्नो पार्क, स्नो पार्क भी बोल सकते हैं, स्नो वैली भी बोल सकते हैं, स्नो पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लोग स्केटिंग करते हैं, फिर यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती है, पैराग्लाइडिंग हो गई, जिपलाइन हो गई, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर करते हैं। तो अगर आप आ रहे हो शिशु तो इधर स्नो पॉइंट तो ज़रूर से आइएगा। सो ये था मनाली ट्रिप का लास्ट वीडियो। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट में आपके रिव्यूज़ दीजिएगा, एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।